पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का किया उद्घाटन, बोले भारत में आ रहा रिकॉर्ड विदेशी निवेश। प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के इस्तीफे, विधानसभा चुनाव में पार्टी को पड़ सकता है महंगा। चित्रकूट में बीजेपी का मंथन, पहले दिन आयोजित हुए 5 सत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सोशल मीडिया पर फोकस। रायबरेली में पुलिस का सख्त एक्शन, गैंगस्टर आरोपी का 60 लाख का मकान हुआ कुर्क। यूपी में खतरे के निशान के करीब कई नदियां, वाराणसी, कानपुर और गाजीपुर समेत कई शहरों में उफान पर गंगा। आज हैदराबाद आएंगे उपराष्ट्रपति, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। रणवीर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के सेट पर लगी भीषण आग, एक की मौत, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की, अनाथ अनुदान में 3 गुना की बढ़ोतरी। उप मुख्यमंत्री बोले, पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले वरना अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी सुबह 10 बजे DLSAS की बैठक के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।